नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बड़वानी से, जहां पर कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद शव देने में देरी को लेकर परिजनों ने पीएम रूम के सामने हंगामा कर चक्काजाम किया है। वहीं शनिवार 4 लोगों की कोरोना से हुई थी मौत। मृतकों के शव मर्चुरी रूम में रखे गए थे। सुबह 9 बजे शव देने का कह जाने के बाद परिजन सुबह से कर रहे थे इंतजार। सब्र का बांध टूटने पर किया चक्काजाम। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंच किया मामला शांत। जिले में कोरोना के मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। पलसूर अभी यहाँ पीएम में क्यों आए? अरे यहाँ कोरोना वायरस से डेट हो गई थी। किसकी डेट हो गई? मेरे छोटे भाई की वाइफ है। तो अभी हंगामा हो रहा था, क्या करेंगे? कल 6 बजे डेट हो गई, अभी तक डेट नहीं मिल रही है हमको। सुबह से आए थे हम 8 बजे बैठे यहाँ पे। दे रहे तहसीलदार साहब आ रहा है, फलाना साहब आ रहा है, 1 घंटे में 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में सब बता रहा है। अभी फिर क्या किया? अभी आए वो हमारे लोगों को कोरोना वायरस के कपड़े पहरा के अभी गेट निकाल रहे हैं। अंत्येष्टि कहाँ पर करेंगे? अंत्येष्टि कहाँ करेंगे? कहाँ पर अंतिम संस्कार? यहाँ पे राजघाट में करेंगे। हाँ, और हमको यहाँ हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल में। यहाँ पे हमारा अगर पेशेंट नहीं रहता ना, बच जाता है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट सही ढंग से कर ही रहा है, पर डॉक्टर को सुन नहीं रहे, उछल रहा है मरीज, कोई ध्यान नहीं दे रहा है उनके ऊपर, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या ला के पटक रही, बस दवा चल रही है, इंजेक्शन लगा दिया, बोल रही ऐसा है वैसा, कोई शांति से बात भी नहीं करता है कि भाई चलो एक दो आदमी बात करते हैं, बाकी तो सब ऐसे भगाते हैं लोगों को, क्या तेरे को समझ रखा पब्लिक को। दर्शिका मोयदे, नायब तहसीलदार। मैडम आज यहाँ पर जो हंगामा हुआ है, देखभाल करवाने के लिए लेट हो रहे थे, 9 बजे का समय दिया था, अभी तक नहीं पहुँचे। यह डेड बॉडी की जो कोरोना पॉजिटिव की डेथ होने की सूचना मुझे अभी कुछ आधे घंटे पहले मिली। फिर प्रोटोकॉल के थ्रू मुक्ति धाम तक ले जाना है। इनके कुछ डॉक्यूमेंट्स आए नहीं थे, जिनकी सर्टिफाइड होता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी लेट लतीफी की वजह से ये थोड़ा सा डिले हुआ है। बाकी व्यवस्थाएँ संभाल ली गई है, डॉक्यूमेंट उन्हीं के लिए ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करके उन्हें मुक्तिधाम तक पहुंचाया जा रहा है। बड़वानी से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।